मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर में कई जगहों पर जनसंपर्क करके अपने बेटे वैभव को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा और पीएम मोदी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी पाक विस्थापितों के लिए बात करते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने कैंप लगाकर के पाक विस्थापितों को समय समय पर नागरिकता दी है, साथ ही उनकी मूलभूत सुविधाओं का भी इंतजाम किया है। प्रधानमंत्री जोधपुर में आके कह रहे पाक विस्थापितों की बात करते हैं, पाक विस्थापितों के तो पहले ही नागरिकता मिल चुकी है, उनका बच्चे भी कम देंगे। अरे उससे आगे बढ़ने की बात, पुनर्वास की बात, उनके लिए क्या सुख सुविधाएं हो सकती है उसकी बात। हमने जो मैनिफेस्टो में लिखा है, तमाम वादे हमने किए हैं कि पाक विस्थापितों के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। पहले भी हमने उनकी जो सिटीजनशिप थी उसे कम हल्का हमने हल किया था, उन्होंने किया, पर ये ऐसे बोलते थे कि मतलब इनको चिंता खा ली, हम सुनाते होंगे।